मेरे दोस्त, एक इंसान अपने जीवन के 24 साल सोने में निकाल देता है और 11 साल टीवी देखने और सोशल मीडिया पे समय वेस्ट करने में, बाकी बचे 73 साल जिसमें शुरुआत के 15 साल तक स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में और खेलने कूदने में, ताश के 52 पत्ते खेल में सबको बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जो उस खेल में माहिर होता है वह जीत जाता है। वैसे ही दुनिया में सबको 24 घंटे बराबर बांटे गए हैं। कुछ लोग इसी 24 घंटे में दिन रात एक करके अपने सपने को पूरे कर लेते हैं और कुछ लोग इसी 24 घंटे में बस रोते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त, आज तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि समय के पास तुम नहीं रहोगे। रेत को चाहे कितना ही कस के मुट्ठी में पकड़ लो, वह हाथ से फिसल ही जाती है। ठीक वैसे ही समय भी निकल जाता है। जिस समय आप गुजरे हुए वक्त पे अफसोस कर रहे होते हो, याद रखिए उस समय भी वक्त गुजर ही रहा होता है। इसीलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट टिप्स जिसे जानकर आप स्टूडेंट्स लाइफ में सफल हो सकते हो। टिप नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टू डू लिस्ट बनानी होगी। आपका ज्यादातर समय एक दो घंटे तो सिर्फ यह सोचने में लग जाता है कि आज मुझे करना क्या है, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग ही नहीं होती। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाना बेहद जरूरी है। इसमें आपको एक कागज लेना है और उसमें अपने दिन भर के काम को रात को सोते समय लिखना है और अगले दिन उन काम को पूरा करना है। आपको किस काम को किस समय पे करना है यह भी लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको सबसे पहले वह लिखना है जिस काम को आप सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाएं। टिप नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट काम को करें। अक्सर लोग अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगाते हैं जो इम्पोर्टेंस नहीं है। हम सब यही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा कीमती समय वेस्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वह पहले इजी काम करते हैं और फिर दूसरे काम को करते हैं। लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना होगा। इम्पोर्टेंट काम करने से ही आपको फायदा होगा, क्योंकि जब तक आप इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाओगे तब तक आप फिर अपने लिए टाइम बचा नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपने उस इम्पोर्टेंट काम को पूरा करें जिसको करने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम बचे। नंबर 3, अपने प्राइमरी टाइम में काम करें। दिन के किसी खास समय आपकी एनर्जी और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है, यही आपका प्राइमरी टाइम है। अपने सबसे इम्पोर्टेंट या क्रिएटिव टास्क इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। कई बार एक घंटे में इतना ही कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता। याद रखें, समय की क्वांटिटी के बजाय समय की क्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस देता है और दूसरा समय की क्वालिटी को, और इसी से उनकी सफलता में फर्क पड़ता है। नंबर 4, आलस से बचे। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना होगा। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं, उसे टाल देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जिसके कारण से हम सफल नहीं हो पाते। इसीलिए जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे सबसे पहले कर ले, तभी उस काम में आप सफल हो पाएंगे। नंबर 5, आज का काम आज ही करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने काम को टालते रहते हैं, अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा, और कभी भी इनका कल नहीं आता। दोस्तों, यह बात याद रखो कि कल कभी नहीं आता है। इसीलिए हमने आगे कहा है कि अपने इम्पोर्टेंस काम सबसे पहले कर लो, नहीं तो फिर आप उन कामों को टालते रहोगे। अब जो भी काम करो उसे तत्काल शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि अभी करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। कल कल करते करते आपका वो सारा दिन बीत जाएगा। इसीलिए कामों को वक्त पे करना सीखो। समय सही से उपयोग करने के लिए एक डेडलाइन बनाओ। टाइम मैनेजमेंट टिप्स में डेडलाइन का सबसे बड़ा बेहतर रूल है। आप किसी काम को डेडलाइन निश्चित करके उस काम को जल्दी ही और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। नंबर 6, सोशल मीडिया और फोन का यूज कम करें। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तब भी वो थोड़ा थोड़ा मोबाइल फोन का यूज करते हैं। एक बार में लगभग 5 से 7 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट रिसर्च से यह पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक काम करने के लिए बैठते हैं वह लोग हर 3 मिनट में सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और सबसे बड़ा मेन कारण यही है आपका सफल ना हो पाना। कई लोगों को इसकी बहुत ही बुरी आदत पड़ गई है। ये लोग तो दिन में 8 से 10 घंटे तक सोशल मीडिया का यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का यूज ना करें, मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि इसका एक निश्चित टाइम रखें। यह बहुत ही बुरी चीज है, यह आपको एक आलसी इंसान बना देगी। आप जितना हो सके उतना सोशल मीडिया का कम यूज करें और उस समय को आप किसी अच्छी चीज को सीखने में यूज करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें एंड हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब।